सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमें किसी भी खास समय के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि आपने हर समय को खास बनाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, स्वयं अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। आज का पंचांग 18 नवंबर 2020, दिन बुधवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात्रि 11:16 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र सुबह 10:40 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:12 से 1:33 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। मेष राशि 18 नवंबर 2020, दिन बुधवार, आज आपको अपने आरामदायक स्थिति से बाहर आकर कुछ गंभीर प्रयास करने हैं। सावधान रहें कि बिल्कुल परंपराओं के अनुसार चलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। गंभीर होकर प्रयास करने से आपको बहाव के साथ बहते रहने के स्थान पर जीवन जीने की सही भावना आएगी। यह इस समय आपको मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन अगर एक बार आप यह कर गए तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। आज के दिन आपके लिए कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि ला रहा है। आप अपनी प्रतिभा तथा बौद्धिक क्षमता द्वारा कुछ उत्तम कार्य कर पाएंगे, जिससे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। समाज तथा निकट संबंधियों में आपकी उपलब्धियों की सराहना होगी। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा में भी आपका ध्यान रहेगा। आपको अपने काम और महत्वाकांक्षा पर अधिक ध्यान देकर उसी पर फोकस बनाए रखना होगा। दूसरों की बातों में आकर अपने निर्णय को ना बदलें। पैसों के व्यवहार में कोई आपको फंसा सकता है, खास करके करीब रिश्तेदारों में से कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी व्यवहार करते समय दस्तावेज पूरी तरह ध्यान से पढ़ें। आपके काम का बोझ बढ़ने की वजह से काम के प्रति आप अधिक गंभीर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। नए व्यक्ति से बन रही जान पहचान को तुरंत रिलेशनशिप में बदलने की कोशिश ना करें। पीठ और पैर की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है। प्रतिष्ठा में बदलाव अभी आपकी किस्मत में है। आपकी मेहनत को पहचान मिल रही है और जल्दी ही कोई इनाम भी मिलेगा। घर की समस्याएं आपसे आपका समय चाहती है। विवादों को हल करें और उन रिश्तों को समाप्त कर दें जो अब दिल के करीब नहीं है। आज के दिन का पूरा आनंद लें। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसकी योजना पहले से बना लें, क्योंकि आखिरी समय में परेशानी हो सकती है। रोचक लोगों से मिलना आज आपकी किस्मत में लिखा है। बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आपके शब्द किसी के मन में सफलता या असफलता के बीज बो सकते हैं। सावधानियां। रिश्तेदारों के साथ मिलते जुलते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि कोई पुरानी नकारात्मक बात दोबारा ना उठे, अन्यथा संबंधों में और अधिक दूरियां आ जाएगी। विद्यार्थियों का मन अपनी पढ़ाई से हट सकता है, जिससे उनकी शिक्षा में व्यवधान आएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आप हाल फिलहाल अपने जीवन में हर तरह के संबंधों को लेकर लापरवाह रहे हैं, लेकिन आपको समय रहते इनमें आ गई दूरी को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। आपके पार्टनर ने आपके मुश्किल समय में आपका काफी साथ दिया है, लेकिन आप उसी
उस साथ से उनका साथ नहीं दे पाए हैं, केवल अपने साथी की कमियां ढूंढने में ना लगे रहें। आपने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने खुद में कितना सुधार कर लिया है। शर्मोहया छोड़कर दुनिया को अपने साथी से मिलाने का और अपने इस गुप्त रिश्ते को नया नाम देने का भी है। आपके भाई बहन और परिवार आपकी नई शुरुआत से प्रसन्न होंगे। इस समय आपके सितारे उच्च हैं। ऐसे में आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तैयार रहें धमाकेदार दिन के लिए। आज आप कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो पहले पूरी योजना बना लें और अपनी साथी की भी इनमें सलाह लें। यह यात्रा आप दोनों को अच्छे पल देगी जिससे आपका संबंध मजबूत होगा। अपने साथी पर विश्वास करें, यह आप दोनों के लिए लाभदायक है। पति पत्नी के आपसे संबंध मधुर रहेंगे। घर में रिश्तेदारों के आगमन से खुशी भरा माहौल रहेगा। बात करते हैं करियर की। इस समय वास्तविक गतिविधियां उत्तम रहेगी, परंतु कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने जैसी स्थिति भी बन रही है। स्टाफ की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा कोई नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने टारगेट को पूरा करने के लिए की गई मेहनत सफल होगी। आज के दिन उनके लिए उपयुक्त है जो कि रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं। आपके सुझाव आपको नए अनुबंध दिलाएंगे जिससे आपके बैंक में जमा राशि में विस्तार होगा। कलाकार, संगीतज्ञ, फिल्म निर्माता, फोटोग्राफर एवं लेखक अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और जो लोग अन्य क्षेत्रों में हैं, अगर वह अपने काम में कुछ नवीनता या कुछ रचनात्मकता लाए तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। आज सितारे आपके पक्ष में हैं, जिससे कार्यस्थल में आपकी स्थिति सुधरेगी और आपके काम को मान्यता मिलेगी। अपने पैसे का सम्मान करें, क्योंकि यही आपकी आजीविका का साधन है। याद रखें, अच्छी योजना अच्छे निर्णयों को आकार देती है। यही कारण है कि अब समय को नियोजित करने की जरूरत है। आज आप स्पेशल की तरह महसूस करेंगे और लोग भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो पहले योजना बना लें। आप कुछ रोचक लोगों से मिलेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। आज का मुद्दा पार्टी और उत्सव है। अच्छे परिणामों के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा की आवश्यकता है। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपकी सेहत ठीक रहेगी, मगर सेहत को सुरक्षित रखने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। रोज व्यायाम करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका वजन बढ़ता जा रहा है तो आज वह दिन है जबकि इस बारे में सोचना होगा। आज ही से इसे बढ़ने के रोकने के उपाय करें, आपको इसका परिणाम जरूर मिलेगा। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।